वेलकम टू रसोई छप्पन भोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हाई प्रोटीन काला चने का डोसा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक कप छोले, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। इसका पानी निकाल के हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ये छोले जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ली है सूजी, एक कटोरी चना था तो आधी कटोरी सूजी ली है। इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे दो हरी मिर्च और साथ में डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। आप इसमें स्पाइसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1/4 कप यहाँ पर दही, तो दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। इसी के साथ हमने यहाँ डाला है थोड़े से पुदीने के पत्ते और स्वाद अनुसार नमक। और इसी के साथ थोड़ा सा जीरा जाएगा और एक कटोरी पानी जाएगा। तो जितना हमने चना लिया था उतना ही इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। तो चना हमने एक कटोरी लिया था तो पानी भी हमने एक कटोरी लिया है और इसको हम एकदम महीन पीस लेंगे। ये हमने एकदम महीन पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल महीन पीस किया है। और इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो डोसे जैसा बैटर होता है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनके तैयार हो गया है। चलिए बनाते हैं इसका डोसा। तो सबसे पहले हमने गैस पे चढ़ाया एक पैन, पैन को लो मीडियम हीट पे ही रखना है हमें। इस पे मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच ऑयल और इसे हम एक टिश्यू पेपर से या फिर किसी भी नैपकिन से इसे साफ़ कर लेंगे पूरे तवे को। और उसके बाद बैटर को थोड़ा सा चलाएंगे और इसके ऊपर हम एक बड़ा चमचा और थोड़ा सा और बैटर डाल के हम इसे बिल्कुल डोसे की तरह फैला देंगे। तो जैसा जितना बड़ा डोसा का तवा है आप उतना बड़ा इसे बना सकते हैं और आप छोटे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर से थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो गया है। अब हमने इस पे डाला है आधी छोटी चम्मच जितना ऑयल, तो ऑयल को अच्छे से हम फैला देंगे। और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई हमें नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि हमारा डोसा जो है अच्छे से सिकना शुरू हो गया है और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। तो ये हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है डोसे को। ऐसे ही हम दूसरा डोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैटर डाला है, बैटर को हम फैला लेंगे अच्छे से। पूरे जितना हमें बड़ा डोसा चाहिए उतना बड़ा हम तवे पे फैला लेंगे। और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई हमें बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो डोसा है ना वो एकदम से जल जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सिक गया है और ब्राउन स्पॉट्स भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ मैंने चटपटा आलू का मसाला बना के तैयार किया है, तो वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। ये हमारा मसाला डोसा, ये मसाले वाला डोसा बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी और इसको भी हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे अच्छे से। आप अपनी चॉइस की कुछ भी स्टफिंग इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया है और दूसरा मैंने ये आलू वाला बना के तैयार किया है। तो लग रहा है ना मज़ेदार सा क्रिस्पी हमारा डोसा, वो भी चना डोसा। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा बनके तैयार हो गया है चना का डोसा। तो लग रहा है ना मज़ेदार सा क्रिस्पी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। तो आप इसे कैसे इंजॉय करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आप कहाँ से, कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।